मेरे पास जॉब करोगे? आया तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने था कि उस दिन जो हादसा हुआ सिर्फ तुमने ही मेरी मदद की थी। दिलावर तो ये है मेरा ऑफिस। नाम तो मैं तुमसे पूछा नहीं। बख्तावर है ढाबे पे, वहां सब मुझे बख्तू कहते थे। आप भी बख्तू कह सकते हैं सर। हाँ तो भाई बख्तू, आने जाने वाले लोगों का ख्याल रखना, ऐसे छोटे मोटे काम और होंगे, चाय कॉफी। वैसे पढ़े लिखे हो? जी सर, मैं बीए के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। अरे वाह, तो बड़े पढ़े लिखे हो यार। तो ये छोटे मोटे काम छोड़ो, आज से तुम मेरे हो पर्सनल असिस्टेंट। मेरे लिए आने वाली सारी कॉल्स अपॉइंटमेंट सब तुम देखा करोगे। ये कमरा तुम्हारे लिए होगा और यहाँ मैं एक कंप्यूटर सेटअप कर दूंगा तुम्हारे लिए। इस्तेमाल करना आता? नहीं, लेकिन सर मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगा। गुड सर, वो मैं कह रहा था, एक गुजारिश है सर, वो जब तक एग्जाम नहीं होते क्या मैं पार्ट टाइम आ सकता हूँ? मैं पूरा दफ्तर का काम करके जाया करूंगा। दिल लगा के काम करो और पढ़ाई भी, पैसों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज का ख्याल करना बख्तू। जी सर। मुझे झूठ और धोखेबाजी से शदीद नफरत है, ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी सर, जाऊं? जा। चल में साजिश की एक दलदल है, मखमल के इन लहजों से मरता कोई हर पल है। ये चेहरे मस्जिद मंदिर से सारे झूठे हैं अंदर से, कभी उड़ा कभी मुड़ा किसी से ना जुड़ा, खुद से रूठा हुआ हूँ कैसे खुद को मनाऊं, थोड़ा टूटा हुआ रूठा हुआ दिल लेके जाऊं।